फ्रंट कैमरा फ्रंट क्या बोलते कहो हैं हम लोग यहाँ से ना, अरे हाँ जो तुम तो हाँ बस ठीक है। हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं सब? फिर से आज मैं एक नई रेसिपी लेकर हाजिर हूँ। जल्दी जल्दी जुगिए। जल्दी जल्दी जुड़िए फिर हम रेसिपी स्टार्ट करें। अमूल पेज पे आप सबका स्वागत है। थैंक यू अमूल जिन्होंने हमें यह प्लेटफॉर्म दिया। सबसे पहले हम इंग्रेडिएंट्स बता देते हैं। लोटस स्टेम, हनी चिली लोटस स्टेम बना रहे हैं। जो कमल का फूल होता है उसके नीचे की जो डंडी होती है उसको लोटस स्टेम कहते हैं। तो उसको हनी चिली बना रहे हैं जो चाइनीज स्टाइल में बनेगा। उसके लिए इंग्रेडिएंट्स है सॉल्ट, तेल, ये चिली पेस्ट। ये ऐसी होती है लोटस स्टेम इसको कहते हैं। इसके ऊपर कमल का फूल जो खिलता है वो है ये। कॉर्नफ्लोर चाहिए, ऑनियन, गार्लिक और लहसुन की पे गार्लिक और अदरक है, हनी है, रेड चिली कश्मीरी वाली और ब्लैक पेपर और ग्रीन ऑनियन। और इसके लिए ये लोटस स्टेम को हमने ऐसे चिप्स की तरह बना ली और उसके बाद उसको पानी में ब्लांच कर लिया हल्का सा और उसको ऐसे छान लिया। उसका पानी निकल जाना चाहिए इस तरह से। ये बनेगा ब्लांच किया है तो थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाता है। ये लगभग 250 से 300 ग्राम है। इसको हमने पानी निकाल के ले लेना है। इसमें हम कॉर्नफ्लोर डालेंगे 2 से 3 चम्मच, क्योंकि इसको थोड़ा हम तलना है, क्रिस्पी होना चाहिए। तब तक हम तेल गरम करने रख देते हैं। तेल गरम होते तक हम इसमें कॉर्नफ्लोर स्प्रिंकल कर लेते हैं। ऐसे मिक्स कर लेना, पूरा कोट कर लेना है। अच्छे से कोट हो जाना चाहिए। हाँ
थोड़ा और ले लेते हैं। ये अच्छे से कोट हो गया है। एक स्टार्टर की तरह भी आप खा सकते हो डिनर में। अभी गर्मी की सीजन है तो कुछ खाने का मन नहीं होता है, तो इस टाइप की कोई क्रिस्पी चीजें अच्छी लगती है खाने पे, आप इसलिए बना सकते हो। ये चाइनीज स्टाइल का है, इसको चाइनीज ज्यादा पसंद है तो उसके लिए बहुत अच्छा है। तीखा जो खाते हैं, जिनको स्पाइसी पसंद है, उनके लिए भी बहुत बढ़िया है। तेल गरम होने की हम वेट कर रहे लोटस स्टेम ले, एकदम फ्रेश वाली लेनी चाहिए। काली हो वो नहीं लेना, अंदर से सफेद होनी चाहिए। हमेशा आप बाजार से लाएं तो एकदम फ्रेश वाली लेके आएं। काली होगी तो वो अच्छी नहीं होगी, अंदर से वाइट होनी चाहिए। लोटस स्टेम के और भी हम उपयोग कर सकते हैं, कोफ्ते भी बना सकते हैं और कश्मीरी स्टाइल में सब्जी बन सकती है, अचार भी बनता है। तेल गरम हो चुका है, हम इसको तलना चालू कर देते हैं। मीडियम आंच पे हम इसे तलेंगे। थोड़ा सा कलर चेंज हो और क्रिस्प हो जाए तब तक हमें तलना है। तो ऐसे थोड़ा थोड़ी चिपक जाती है तो उसको हम झाड़े से थोड़ा थोड़ा ऐसे करेंगे तो वो अलग अलग हो जाएगी। देखिए अच्छी से हम खाएंगे। एक पेज और डाल देते हैं।
सबको कोई क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हैं, करते करते मैं उसका आपको आंसर दे सकती हूँ। हाथ से खोल भी लेते थोड़ा ठंडा हो जाए। इसके इंग्रेडिएंट्स के मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दिया है तो आप देख सकते हैं। तलने थोड़ा क्रिस्प होने में थोड़ा टाइम लगता है। जितनी क्रिस्पी होगी उतना खाने में मजा आएगा। ये लोटस स्टेम है, जो कमल का फूल आता है उसके नीचे की जो डंडी होती है वो है लोटस स्टेम है, जिसको हमने चिप्स की तरह काट के ब्लांच करके फिर उसको कॉर्नफ्लोर में मिक्स करके उसको तल लिया, चिप्स की तरह बना लिया है। इस चिप्स में भी आप अलग से सूखा मसाला डाल करके आप चिप्स भी खा सकते हैं, वो भी टेस्टी लगता है। और इसको हम चाइनीज स्टाइल में बनाएंगे हनी चिली के साथ। ये क्रिस्प हो चुका है, थोड़ा सा तेल ले लेंगे। दिव्या जी कह रही हैं वाव न्यूडल्स, थैंक यू दिव्या जी। ये तेल ऑलरेडी गर्म ही है, इसमें जिंजर और गार्लिक का पेस्ट है जो हम एक चम्मच, जिंजर गार्लिक की स्मेल मस्त आ रही है सबको यहाँ पे। इसमें डालेंगे हम बारीक चॉप किया हुआ ओनियन है, एक ओनियन छोटा सा,
इसको भी हम सौते कर लेंगे। थोड़ा सा कलर चेंज हो उसमें भी, ज़्यादा सौते नहीं करना। हमने एक गाजर ऐसे चिप्स की तरह किया हुआ है वो डाल देंगे। हम रेड चिली की पेस्ट है, सॉस है, रेड चिली सॉस 2 टेबलस्पून डालेंगे। कश्मीरी चिली पेस्ट है वो 2 टेबलस्पून डाल देंगे। और मिक्स करेंगे। कश्मीरी रेड चिली पाउडर जितना आप तीखा खा सकते हैं या पसंद है उतना आप डाल सकते हैं। हाई सीमा ब्लैक पेपर 1/2 चम्मच, और स्वाद अनुसार नमक। स्प्रिंग ऑनियन और उसमें जो हमने लोटस स्टेम चिप्स तल के रखी है वो मिक्स करेंगे। एक चम्मच हनी, हनी चिली लोटस स्टेम है इसलिए एक चम्मच हनी डालेंगे। आपका रेडी हो गया हनी चिली लोटस स्टेम, तो हम सर्विंग प्लेट में ले लेंगे। स्प्रिंग ऑनियन से गार्निश करेंगे और थोड़े से सफेद तिल ऊपर से डालेंगे। ये रेडी है हनी चिली लोटस आपके लिए। आप बना के बताइएगा कैसी लगी रेसिपी।
कोई क्वेरी है तो आप बोल सकते हैं। रखिए हाँ, रेसिपी कंप्लीट हो गई है। अगली रेसिपी तक सब फ्रेंड्स को बाय बाय।